सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो यार, बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 274। तो यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग क्राउन प्रिंस से बात करने के बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि जूफेंग के पास हाई प्रीस्ट का इनविटेशन लेटर आता है। वो जूफेंग से कुछ खास इंपोर्टेंट बात करने के लिए उसे अपने पास बुला रहे होते हैं। इधर दूसरी ओर सभी लोगों को जब पता चलता है कि ये लेटर हाई प्रीस्ट की ओर से है तो वो सभी लोग भी जूफेंग को वहां जाने के लिए मनाने लगते हैं। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोगों को आज देखने को मिलने वाला है। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को वापस से जूफेंग और तीनों सेवन बड़ी फैमिलीज के लीडर्स को दिखाया जाता है। और वहीं पे लॉन्गजिनियो के फादर हंसते हुए जूफेंग से कहते हैं कि हाँ, एब्सोल्युटली यून जुआन जी टियानयू में एक बहुत ही खास पर्सन है और चाहे वो एम्परर या जोगे चेंगफेंग या डुगु जेंटियान और या फिर सातो हाउसेस, जब भी इनमें से किसी के सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसके के बारे में उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तो वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ हाई प्रीस्ट के दरवाजे पर जाकर ही उसके दरवाजे को खटखटाते और बदले में उन लोगों को उनके सारे सवाल के सही सही जवाब भी मिल जाते। और मैं खुद भी एक बार उन सर से मिला था, उनके कहे गए एक एक वर्ड ने मेरी आंखों में पूरी तरीके से रोशनी ला दी। लॉन्गजिनियो के फादर की ये बात सुनकर के जूफेंग भी अपने मन में कहता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मक्कार नहीं है जो कि झूठी अफवाह के साथ सभी लोगों को धोखा देता है। जैसा कि कहा जाता है कि केओस ही हीरोज को नया जन्म देती है, जबकि पीस यानी कि शांति रहस्यवादियों को मार डालती है। जूफेंग आगे कहता है कि ये दुनिया बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट पीसफुल एंड सेफ है, मगर लेकिन आपके अचानक यूं इस तरीके से चीखने चिल्लाने की वजह से ये दुनिया पूरी तरीके से केओस में चली जाएगी और क्या सिंहासन की ये होड़ इस पूरे एम्पायर को हिला नहीं देगी। इसीलिए ये चीज तो क्लियरली इंपीरियल फैमिली के रूल्सों का उल्लंघन करना है, लेकिन फिर भी एम्परर ने इस चीज का एक बार भी पता नहीं लगाया, बल्कि यहाँ तक कि 1000 साल तक के लिए इस चीज को बंद करके रखा। और सच में ये चीज तो चकरा देने वाले पागलपन से भी काफी ज्यादा डीक है। तो अब ये सब सोच लेने के बाद जूफेंग आगे सभी लोगों से कहता है कि एक ऐसा मिस्टिक पर्सन जिसके के केवल वर्ड्स ही पूरे नेशन को शेप देते हैं, यहाँ तक कि सेवन बड़े हाउसेस को भी, और बल्कि शायद वो अपने वर्ड्सों के साथ ही पूरे के पूरे नेशन को एक ही बार में हिला करके भी रख सकता है। तो फिर आखिरकार एम्परर एक ऐसे पर्सन को इतनी आसानी से जिंदा कैसे रख सकते हैं। इधर दूसरी ओर जूफेंग की ये बात सुनकर के जीटियांग शैन के फादर भी हंसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, वाकई में आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि यून क्लैन कभी भी एक सीधे और नैरो रास्ते पर नहीं चला। यून क्लैन तो सभी लोगों को अपने मेहमानों के रूप में मानता है, लेकिन फिर भी किसी को भी अपना फेवरेट बना करके नहीं रखता और यहाँ तक कि ये कभी भी खुद को कोर्ट के मामलों में खुद को बिल्कुल भी शामिल नहीं करता है और ना ही कभी भी किसी भी तरीके से अपनी सीमाओं को पार नहीं करता है। और किसी भी दूसरे मिस्टिक पर्सन के विपरीत यून क्लैन के एंसेस्टर एक महान टीचर्स हैं और इनकी वॉक ऑफ लाइफ बिल्कुल ही न्यूमरस है और साथ ही हेवन को चेंज होते हुए देखने की इनकी विजडम सच में इस दुनिया से बाउंडलेस है। इधर जूफेंग भी जीटियांग शैंग के फादर की ये सारी बातें सुनकर के हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा कि आपने कहा था, और यहाँ तक कि इस सब के एंड में आपके पास भरोसा करने के लिए केवल आप ही हैं। इधर लॉन्गजिनियो के फादर भी कहते हैं ये सब बिल्कुल ऐसा ही है, उसके वर्ड्स आपको आपके रास्ते पर गाइड करते रहेंगे। जहाँ तक सफलता की बात है तो ये केवल सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। यही चीज ही तो है जो कि यून क्लैन को बिल्कुल इनक्रेडिबल बनाती है। इधर जूफेंग भी कहता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि वो एक हसलर है, क्योंकि इतने बड़े शॉट्स लगाने के लिए निश्चित रूप से उसके पास एक काफी अच्छा कौशल होना चाहिए। इसीलिए अब मैं भी उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि कौन जानता है कि उनसे मिलने के बाद शायद मैं भी इतने अच्छी तरीके से गैस करने के बारे में दो चार बातें उनसे सीख जाऊं। तो अब जूफेंग की ये बात सुन करके वो दोनों लीडर्स भी काफी ज्यादा जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर तुम कुछ भी उनसे सीख जाते हो तो फिर हम लोग तो अपनी गाइडेंस के लिए तुम्हारे पास ही आया करेंगे। तो अब इन लोगों के इतना कहने के बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को हाई प्रीस्ट के पैलेस का दिखाया जाता है, जिसके सामने जूफेंग आया होता है। जूफेंग वहां
पे जाकर के हाई प्रिस्ट के पैलेस के गेट को खटखटाने लगता है, जिसके के बाद वो गेट खुलता है और उस गेट के अंदर से एक सर्वेंट बाहर निकलता है जो कि जूफेंग को देख उससे कहता है कि सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और आपका यहाँ पे आने का पर्पस क्या है। जूफेंग कहता है कि मैं एक मर्चेंट यानी कि व्यापारी हूँ और मैंने सुना है कि हाई प्रिस्ट हेवन के फेथ को पढ़ना जानते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो अब इधर जूफेंग की ये बात सुनकर के पहले तो वो सर्वेंट थोड़ा चौंक जाता है, फिर उसके बाद वो अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते हुए जूफेंग से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, हमारे क्लैन के हेड एक इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ 3 दिनों तक काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, इसलिए कुछ दिनों तक तो वो आपको बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर चाहें तो बाद में वापस आ सकते हैं, तब तक मैं आपके टाइम को रिजर्वेशन करके रख दूंगा। इधर उस सर्वेंट की ये बात सुनकर के जूफेंग हल्के से स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है यून क्लैन सच में फेयर यानी कि निष्पक्ष तो काफी ज्यादा है और हर एक लोगों की बातों को सुनने के लिए भी ये काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ तक कि उनकी क्लैन का ये एक छोटा सा बच्चा भी काफी ज्यादा पोलाइट और विनम्र है और ये अच्छी तरीके से अपने क्लैन मैन के राइज के लिए काम करता है। यून क्लैन सदगुण की वकालत करता है जो कि इसको एक कॉमन मिस्टेक से काफी ज्यादा अलग बनाता है। तो अब इधर जूफेंग ये सब सोच लेने के बाद उस छोटे से लड़के के गाल को पिंच करते हुए हंसते हुए कहता है कि लिटिल गाय, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टीज नहीं कर रहा, इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारे क्लैन हेड के द्वारा एक इनविटेशन भी रिसीव करा गया है। अब जूफेंग इतना कहकर के उस इनविटेशन लेटर को उस छोटे लड़के को दिखाने लगता है, जिसे देख करके वो छोटा लड़का भी जूफेंग के बारे में सब कुछ समझ जाता है। फिर वो जूफेंग को अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट देते हुए कहता है ओ आप तो हेवन के बीच सबसे बेस्ट स्टीवर्ड है। सर जुओ, प्लीज मुझे माफ कर देना जो कि मैंने आपको पहले नहीं पहचाना, हमारे क्लैन हेड भी आपके आने का काफी समय से इंतजार कर रहे थे, इसलिए प्लीज उनसे मिलने के लिए आप मुझको फॉलो करते हुए मेरे पीछे आए। इतना कहने के बाद वो छोटा लड़का पैलेस के गेट को खोल करके जूफेंग को अपने साथ अंदर ले जाने लगता है, फिर जूफेंग भी उस जगह को पूरी तरीके से देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद जूफेंग और वो छोटा लड़का चलते हुए एक बड़े से टेम्पल के सामने आते हैं और फिर उस टेम्पल के सामने आकर के वो लड़का जूफेंग से कहता है कि ये हमारी ऑब्जर्वेटरी प्लेस है, फिलहाल तो हमारे क्लैन हेड एक इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ टेंडिंग कर रहे हैं, इसलिए प्लीज आप बस थोड़ा सा इंतजार करें, अभी जाकर के उनको आपके बारे में इन्फॉर्म करके आता हूँ। इतना कहकर के वो लड़का हाई प्रिस्ट को इन्फॉर्म करने के लिए आगे चला जाता है, जबकि जूफेंग भी दूसरी ओर मुड़ करके चलने लगता है, मगर तभी वो मुड़ता है और उस टेम्पल की ओर देख करके कहता है कि हाई प्रिस्ट तुम्हारी स्क्राइंग कभी भी फेल नहीं हुई, तो इस बार ऐसा क्यों है कि ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो इतना कहकर के जूफेंग वापस से उस टेम्पल की ओर मुड़ता है और उस लड़के का पीछा करते हुए उस टेम्पल के गेट के पास आ जाता है। वहाँ पे वो लड़का उस टेम्पल के गेट के बाहर बैठा होता है, जूफेंग भी उस लड़के के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है और वो लड़का भी जूफेंग की ओर देखता है और उससे कुछ कहने लगता है, मगर तभी जूफेंग उस लड़के को अपनी उंगली से इशारा करते हुए शांत रहने के लिए कहता है। उसके बाद जूफेंग उन लोगों को देखने के लिए और उन लोगों की बातों को सुनने के लिए उस गेट को हल्का सा खोल करके देखने लगता है, तो उसके सामने सर लैंग और मास्टर होंगफू खड़े होते हैं जो कि वहाँ पे पहले से ही हाई प्रिस्ट से मिलने के लिए आए होते हैं। वहीं पे सर लैंग हाई प्रिस्ट को देखते हैं और उनसे कहते हैं कि वास्तव में मैं ह्यूमन के माइंड को तो पढ़ सकता हूँ मगर लेकिन हेविंस को नहीं पढ़ सकता, इसलिए कुछ ऐसा है जिसके के लिए मैं हाई प्रिस्ट को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, लेकिन इस बार मैं हाई प्रिस्ट की इस गलती को बिल्कुल भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपने हमें 20 साल पहले ये बताया था कि हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर की फेथ में यहाँ पे इस जगह के ऊपर रूल करना लिखा गया है, आपकी वो बात हम लोगों के लिए एक काफी अच्छा शगुन थी, मगर लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ, ये सब ऐसे कैसे बदल गया। तो इधर दूसरी ओर सरलैंग की ये सारी बातें सुनकर के हाई प्रिस्ट भी सरलैंग से कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारे एल्डेस्ट यंग मास्टर के पास एक रेयर अर्थ ड्रैगन का स्वभाव था, उसे बस 3 ट्रिबुलेशन यानी कि कलेशों को पार करने की जरूरत थी, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो सच में उसका फ्यूचर बिल्कुल लिमिटलेस हो जाता। फिर मास्टर होंगफू भी हाई प्रिस्ट की ये बात सुनकर के उनसे कहते हैं आखिर किस तरीके की और कौन सी ट्रिबुलेशन। हाई प्रिस्ट कहते हैं कि ये तीनों हेविंस की प्लानिंग के हिस्से थे जिनके के बारे में मैं बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन अब जब वो चीज पूरी तरीके से हो गई है तो अब ये बात मेरे ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है, इसलिए अब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ कि ये हेविंस की इच्छा थी कि ये पिता और पुत्र और पाप की बात है। ये सुन सरलैंग कहते हैं कि आखिर इन तीनों में से जूफेंग कौन है।
हाई प्रिस्ट कहते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं। तो हाई प्रिस्ट की ये बात सुनकर के कि जूफेंग इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ये सुनकर के मास्टर होंगफू हाई प्रिस्ट के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तो फिर आपने केवल तीन लोगों के बारे में क्यों कहा है, क्या वो क्लियरली चार लोग नहीं है, यहाँ तक कि चौथा तो वो है जिसने की उसकी जान भी ले ली। हाई प्रिस्ट कहते हैं कि स्वर्ग यानी कि हेवन कभी भी चेंज हो सकता है, हालांकि उसके कुछ मूवमेंट्स का पता लगाया जा सकता है और एक इंसान के पास चॉइस करने के लिए 3000 रास्ते होते हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा उसकी लाइफ अनगिनत मोड़ ले सकती है। अगर लेकिन आपके प्यारे बेटे की मौत सच में एक काफी बड़ी दुर्घटना है। इधर जैसा कि दूसरी ओर पीछे खड़ा जूफेंग उन लोगों की ये सारी बातें सुन रहा होता है, तो इधर जूफेंग भी उन लोगों की इंटरेस्टली ये सारी बातें सुनकर के अपने मन में कह रहा होता है, सच में वास्तव में हाई प्रिस्ट एक हसलर है, क्योंकि शायद आखिर किसके पास में इतनी ज्यादा हिम्मत होगी जो कि होंगफू किंगटियान जैसे एक ऐसे एक्सपर्ट की मौत के बारे में एक बेवकूफी ऐसा कह सकेगा। मगर लेकिन ऐसा कह करके क्या वो अपना ही नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अब गाइस जूफेंग के अब इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड अब आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल और दूसरे चैनल दोनों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब इसके बाद मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।